शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे नहीं लगता कि वो अधिराज उस लड़की को इतनी जल्दी भूलने वाला है। तो फिर हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका ध्यान सुनैना से हटकर कहीं और लग जाए। हम जानते हैं कि आपको सुनैना से कितना लगाव हो गया था, पर अब वो आपके जीवन से जा चुकी है और आपको भी उसे भुलाकर आगे बढ़ना होगा और अपनी नई जिम्मेदारी निभानी होगी। काका, आप कहाँ चली गई थी रानी साहब? पता है आपको, उस डाकिनी ने सबसे कह दिया कि आप महल और राजकुमार दोनों को छोड़कर भाग गई। आपको पता है काका, जब मैं रानी माँ से मिलने उस सुरंग के अंदर पहुंची, तब उस दुष्ट डाकिनी ने मुझे भी धोखा दिया और मुझे तालाब के पास ले जाकर जान से मारने की कोशिश की। वो तो अम्बे माँ की कृपा से मुझे किसी ने बचा लिया, वरना भरोसा किया और वो डाकिनी तुम्हें विष देकर भाग गई। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है, पर पूरी प्रजा ने देखा है उस डाकिनी का असली रूप। और तो और, स्वयं को बचाने के लिए आपको मौत के मुंह में धकेल कर चली गई वो। अगर तुम उस महल में नहीं रहोगी तो हम भी उस महल में नहीं रहेंगे। सुनन, एक बात कहूं रानी साहब, मुझे नहीं लगता डाकिनी से जुड़ी किसी भी बात पर राजकुमार हमारा भरोसा करेंगे। बचपन से उसके झूठ को सच माना है उन्होंने, माँ का दर्जा देकर पूजा की है उस डाकिनी की। इस बात का तो मुझे भी भय है काका। भय तो इस बात का भी है कि वो डाकिनी फिर से आपकी जान लेने की कोशिश करेगी। कोई तो था, इसलिए जब तक आप उस डाकिनी का पर्दाफाश नहीं कर देते तब तक किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप जीवित हैं। तो फिर हमें कोई सटीक योजना बनानी होगी। आप जाइए यहाँ से जल्दी। मेरे आने तक राजकुमार का ख्याल रखना। जी। कोई था यहाँ? कौन? क्या कहना चाहते हो? ये गूंगा भी ना किसी काम का नहीं। ये मेरा बच्चा है। नहीं, मेरा बच्चा है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा ना मेरा बच्चा है, मैं नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है। नहीं, ये मेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अरे लड़के हो रही हो। भैया आप ही बताइए, इस बच्चे की असली माँ मैं लगती हूँ ना? मैं कौन होता हूँ बताने वाला? न्याय और निर्णय तो राजा करते हैं। आप दोनों राजा साहब के पास जाइए और अपनी अपनी समस्या बताइए। कौन सा राजा? हमारा कोई राजा नहीं है। और राजकुमार, उन्हें तो सही गलत परखने की क्षमता भी नहीं है। पर हमारे राजा साहब कितने सक्षम और गुणी थे, काश उनके बेटे भी उन्हीं की तरह होते। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? नानी के घर भी उस दुष्ट डाकिनी ने पहरा लगा दिया है।
हे अंबे माँ, मेरी मदद करो। राजा के लिए अपनी प्रजा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर राजा के लिए प्रजा से अधिक महत्व कुछ और रखता तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। ये बच्चा किसका है? इसका फैसला कल दरबार में होगा। दरबार? पर यहाँ ना तो कोई दरबार है ना तो कोई राजा, फिर इसका फैसला कौन करेगा? हम करेंगे फैसला। हमने वचन दिया था कि हर परिस्थिति में अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे। आज से आप सबकी फरियाद भी सुनी जाएगी और साथ ही और आपके इस अधिराज राजकुमार के द्वारा उचित निर्णय भी सुनाया जाएगा। राजकुमार अधिराज की जय। 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 यही तो चाहती थी हमारी सुनन कि हम भी अपने पिता की तरह महान राजा बने। दीदी उठो। दीदी तुम अब तक सो रही हो? तुम्हें डाकिनी से अपने स्वा का रक्षा करना है ना? अम्मा, ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम यहाँ कैसे? मैं कहा नहीं हूँ, अच्छाई के हृदय में श्रद्धा बनकर, बुराई के हृदय में बह बनकर मैं हर जगह विद्यमान हूँ। पर ये बताओ, तुम उदास क्यों हो? मुझे बस अपने पति से मिलना है, उन्हें डाकिनी का सच बताना है ताकि वो सुरक्षित रह पाए। उनसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता तुम्हें है। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, मैं बस अपने पति को बचाना चाहती हूँ, पर मैं सफल ही नहीं हो पा रही हूँ। सफलता तो तुम्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सावित्री जैसी पतिव्रता नारी की शक्ति है और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस भी। फिर चिंता किस बात की? इस बात की कि मैं उस महल के अंदर कैसे जाऊँ, वो डाकिनी ने देख लिया तो। मैं एक हूँ पर मेरे रूप अनेक हैं। दुर्गा भी मैं हूँ, गौरी भी मैं हूँ, काली भी मैं हूँ, ब्रह्मचारी भी मैं हूँ। नवरात्रि में नौ अलग अलग रूप में मुझे पूछते हैं लोग, क्योंकि अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए मुझे अलग अलग रूप धारण करने पड़ते हैं। माँ, मा?
मैं आपका संकेत समझ गई अम्बे माँ। राजकुमार अधिराज की जय। राजकुमार अधिराज की जय। राजकुमार अधिराज की जय। राजकुमार अधिराज की जय। दासी ये बाहर से इतनी शोर की आवाज क्यों आ रही है? जाओ जाकर देखो। राज दरबार लग रहा है रानी माँ, और वैसे भी आप तो यही चाहती थी ना। काश मेरी सुनैना के बारे में भी कोई खबर मिल जाए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हमें राजकुमार अधिराज ने बुलाया है, आज दरबार लगने वाला है ना। ठहरो, आते हैं। स्वराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आने दो इन्हें। अरे जरा रास्ता दीजिए। राज दरबार लगा है और रानी को पता भी नहीं। आखिर यह अधिराज करना क्या चाहता है? हे अम्बी, बस मुझे कोई पहचान ना पाए। हम सब ने इनकी समस्या को सुना। इन दोनों का कहना है कि ये बच्चा इनका है। अब प्रश्न ये है कि इस बच्चे की वास्तविक मां कौन है। क्षमा कीजिएगा, इसे फर्श पर लेटाया जाए।
अब हमारे पास न्याय करने का केवल एक ही रास्ता है। इस बच्चे को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। और एक भाग इनको और एक भाग इनको सौंप दिया जाए। इस औरत को पर से नहीं मारी, पर से नहीं मारी। न्याय आप सबके समक्ष है। एक मां अपने बच्चे को कभी क्षति नहीं पहुंचने दे सकती। ये बच्चा आपका है। क्षमा कीजिए राजकुमार, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वाह, मान गए राजकुमार की बुद्धिमानी को। राजकुमार अधिराज की जय। राजकुमार अधिराज की जय। राजकुमार अधिराज की जय। राजकुमार अधिराज की जय। बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये कहते हुए कि प्रजा को आप जैसे शासक का संरक्षण मिला तो उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो जाएगा। राजकुमार, अब आप राजा का पद संभालने योग्य हो चुके हैं। हम सबकी इच्छा है कि आप जल्द से जल्द राज सिंहासन पर विराजित होकर अपना कर्तव्य निभाएं। हाँ, अब एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार का राजतिलक करवा देना चाहिए। अभी नहीं। हाँ हाँ, राजकुमार का राजतिलक करवा देना चाहिए। बिल्कुल करवा देना चाहिए। हो जाना चाहिए। राजतिलक करवा देना चाहिए। हो जाना। ठीक है, हम अपनी प्रजा की इच्छा का पूरा सम्मान करते हैं और समर्थन भी करते हैं। राजा साहिब की जय। राजा साहिब की जय। राजकुमार से अनुरोध है कि राज तिलक के तुरंत बाद इस महल में शुद्धिकरण का हवन करवा ले ताकि वर्षों से इस महल में उपस्थित सारी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शुद्धिकरण हवन तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ, शुद्धिकरण होना ही चाहिए। अवश्य। रानी मां, अगर ये हवन हुआ तो आपकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और फिर वापत मरकर भी आपसे जीत जाएगी, यानी कि आपकी हार। मूर्ख चुड़ैल, कितनी बार समझाऊं कि यह हार शब्द नहीं पसंद मुझे। जीत होगी मेरी, सिर्फ जीत, और तुम देख लेना वही होगा जो मैं चाहूंगी। और मैं चाहती हूं कि ये शुद्धिकरण हवन हवन ना हो, ना हो। हमें राजकुमार अधिराज से मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकती। हमें जाने दीजिए। नहीं, वो विश्राम करने गए, अभी किसी से नहीं मिल सकते। हमसे मिलेंगे,
जीजा जी हैं हमारे। स्वराज, दीदी का कुछ पता चला? नहीं, बस इतना पता चला है कि वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गई। ये सब झूठ है। हमारी सुने ना, भयभीत होकर मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। बल्कि एक सच्चे योद्धा की भांति हर परिस्थिति का सामना करने वालों में से है। नानी, हम आपको वचन देते हैं, हम सुनैना को कहीं से भी खोज निकालेंगे। स्वराज, नानी और तारक को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। यही उपयुक्त समय है अधिराज से मिलने का। किसी भी वैदिक यज्ञ या हवन में बैठने के लिए एक राजा के साथ रानी होनी चाहिए। यानी पति पत्नी जोड़ी में बैठते हैं? हाँ, और अगर अधिराज को हवन में बैठना है तो उसे विवाह करना होगा, क्योंकि उसकी पत्नी यानी वो आफत तो मर चुकी है, इसलिए उसे विवश होकर कनक से विवाह करना होगा। पर मासी, अगर वो अधिराज विवाह के लिए नहीं माना तो? तो फिर ये हवन ही नहीं हो पाएगा।